भाजपा के 9 साल में भाजपा की गठबंधन की सरकार ने नौजवानों को बेरोजगार बनाने का पाप किया है। महंगाई की मार से जनता की कमर तोड़ी है। जीएसटी का उपयोग कर व्यापारियों को भी शोषण का शिकार बनाया। लाभकारी मूल्य देने का वादा करने के बावजूद भी किसानों को लाभकारी मूल्य देने को दूर, जब जब किसान का उत्पाद पैदा होता है इनके क्रय केंद्र नदारद हो जाते हैं। बिचौलियों के माध्यम से उन्हें पौने गांवों में किसानों को अपनी वो देखनी पड़ती है। छुपका जानवरों का आतंक अलग से है। 200-200 की झुंड में आकर के किसानों की फसल चढ़ के चौपट कर देते हैं। अब तो हालात ये बन गए कि छुपका जानवरों के मारने से प्रतिदिन 20-25 मौतें पूरे प्रदेश में हो रही है। और यही नहीं, आज जिस तरीके से भाजपा सरकार संविधान बदलने की मंशा को लेकर साजिश कर रही है, इससे आज हम सबकी प्राथमिकता देश को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की और संविधान को बचाने की। और ये संभव तभी होगा जब 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा की विदाई करके हम लोकतंत्र को बचाने में कामयाब होंगे, संविधान को बचाने में कामयाब होंगे और देश को बचाने में कामयाब होंगे। जो जिस तरह की राजनीति शुरू हो गई है, जिस तरह की संतोष भाई नीचे कर लीजिए सर, ये जिस तरह की राजनीति हो रही है, गाली गलौज और अभद्र भाषा सारी ये सारी चीजें हो रही है, इसको मैं सबसे पहले आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का और समाजवादी पार्टी से विधायक राम अवतार सैनी जी और उनके साथ तमाम सहयोगी साथियों को इस कार्यक्रम के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। आज जो पिछड़ापन है वो सामाजिक साजिश और षड्यंत्र के तहत है। ये लड़ाई जरूर लंबी है लेकिन हमें समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की साजिश से सावधान रहना पड़ेगा। उनके समय समय पर षड्यंत्रकारी नारों से भी सावधान रहना पड़ेगा। शोषित वंचित पिछड़े और जितने भी हमारे गरीब हैं जो अभाव में रह रहे हैं उनको बराबरी पर लाने के लिए समाजवादी पार्टी और समाजवादी सिद्धांत हमेशा उनके साथ खड़े हैं। ये पिछड़ापन दूर हो, जाति जनगणना हो और बिना सामाजिक न्याय के हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। जो लोग ये कहते हैं सबका साथ, उनके नारे में ही सामाजिक न्याय नहीं है। वो सबका साथ तो चाहते हैं लेकिन समाज की गैर बराबरी को नहीं खत्म करना चाहते हैं, ये गैर बराबरी को बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए हर जगह पावर को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। और जहां तक हमारे साथी ने कहा कि ये भाषा, चुनाव लड़ने का तरीका या किसी के कार्यक्रम में इस तरीके के लोगों को भेजना, ये भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है। अगर घटना